गरोट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बोलिया के रहने वाले युवा दीपक पाटीदार को स्वयं के जन्म दिवस पर हमेशा कुछ नया करने का जुनून रहता है। यूं तो सभी अपने जन्मदिन के अवसर पर परिवार और दोस्तों के साथ सादगी से मनाते हैं, लेकिन बोलिया ग्राम के युवा दीपक पाटीदार ने अपना हर जन्मदिन पर कुछ न कुछ नया सामाजिक साहसिक कार्य करते आए हैं। इस कड़ी में युवा दीपक पाटीदार ने अपना 34वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा और स्वयं ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। आज ग्राम बोलिया में मध्य प्रदेश में दीपक जी भैया के पाटीदार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लक्ष्य 101 यूनिट का है। अभी तक रक्तदान 50 यूनिट हो चुका है। रक्तदाता समुदाय के तत्वावधान में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सभी युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। युवाओं का अच्छे से उत्साहवर्धन हमने किया है। यहाँ पर रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहण रुधिर ब्लड बैंक झालावाड़ कर रही है। मैं हनी निगम रक्तदाता समूह से। अतिथियों ने रुधिरा ब्लड बैंक झालावाड़ और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रक्तदान शिविर प्रातः 9:30 पर शुरू हुआ, जो 5:30 तक चला। इस अवसर पर 80 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में पधारे अतिथि गरोट भानपुरा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकर, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सेठिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश पाटीदार ने युवा दीपक पाटीदार का जन्म दिवस मनाया। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।